जिस तरह से हमारे 44 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई और रोज कहीं ना कहीं भारत जैसे महान शक्तिशाली देश को तोड़ने की साजिशें रची जाती हैं, तो अब देश को एकजुट होकर के मोदी जी को ये कह देना चाहिए कि भाई हाफिज सईद और अजहर मसूद, अब ये दो लोग तो कम से कम जिंदा नहीं बचने चाहिए। उसके लिए हम जो भी रणनीति कूटनीति अपनाएं, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। और पाक अधिकृत कश्मीर में जितने भी आतंकवादी शिविर चल रहे हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए जो भी रणनीति बननी चाहिए कि एक भी आतंकवादी शिविर अब पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं चलना चाहिए। जब तक एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत एक्शन नहीं करता है, हम खाली इस बात से डर करके बैठे रहते हैं कि जंग छिड़ जाएगी। कल पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, वो छोड़ देगा। परमाणु बम छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, उससे तो धरती पर पड़ा आ जाएगी। क्योंकि परमाणु बम खाली पाकिस्तान के पास में नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास हैं। और इस धरती को 400-500 बार नष्ट किया जा सके, इतना परमाणुओं का जखीरा पूरी दुनिया में भरा पड़ा है। लेकिन इसके कारण से हम अपने आत्मसुरक्षा को तिलांजलि नहीं दे सकते। इजराइल जैसा देश जिसकी 85 लाख की कुल आबादी है, चारों तरफ से दुश्मन से घिरा रहता है, दुश्मन को खोज खोज के चाहे 10-20-30-50 साल भी क्यों ना लगे, एक भी दुश्मन उसने अपना छोड़ा नहीं है। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं कि देश के अंदर और देश की सीमाओं के बाहर कोई भी जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचता है, वो आतंकवादी चाहे देश की सीमाओं के बाहर से आया है और देश के अंदर किसी ने पनाह ले रखी हो, एक भी आतंकवादी हिंदुस्तान में शेष नहीं रहना चाहिए। ये तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात देश की है।